जादुई हिल का घर। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है जादुई हिल का घर। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। जिया अपने माता पिता की एकलौती बेटी है। वो तीनों एक छोटे से शहर में रहते हैं। जिया के पिता किशन एक अमीर बिजनेसमैन है और उसकी माँ जानवी घर में रहकर घर का काम करती है। उन तीनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। सुबह उठ के जिया के पापा अपने बिजनेस पर चले जाते थे और उसकी माँ और जिया दोनों ही घर पर रहते थे। फिर जिया खाना खाकर स्कूल चली जाती थी। एक दिन स्कूल जा रही थी तभी उसे रास्ते में एक बहुत बुरी हालत में एक ही टूटी हुई पुरानी सी हिल दिखाई देती है। लेकिन उस हिल देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में। ये देखे जिया उस हिल के पास जाती है और सोचती है, ये हिल तो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कितनी सुंदर इसके डिजाइन है, लेकिन बहुत पुराना है, शायद टूट गया है, इसीलिए किसी ने फेंक दिया। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे अपने साथ घर लेकर जाऊंगी। जिया उस हिल को अपने साथ उठाकर स्कूल लेकर जाती है ताकि वो बाद में अपने साथ इसे घर लेकर आ सके। लेकिन जिया के हाथ में वो टूटी हुई हिल देखे स्कूल के सारे लड़के लड़कियां मजाक उड़ाने लगती है। एक लड़की आके जिया से बोलती है, अरे जिया, ये तुम क्या उठाया लाया हो? रास्ते से इतना टूटा हुआ जूता लेकर तुम क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पिता तो गरीब नहीं है, तुम तो कितने अमीर हो, चाहो तो ऐसे ही एक हील खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी इस टूटे हुए हील से क्या कर रही हो? इसे फेंक दो। नहीं, मैं इसे नहीं फेंकना चाहती, मुझे ये हील पसंद आया है और मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ, इसीलिए इस हिल को घर लेकर जाऊंगी। वैसे मेरे पापा अमीर तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं टूटी हुई हिल को दोबारा से ठीक करके नहीं पहन सकती। जिया की ये सारी बातें सुनकर वो सारे लड़कियाँ हंसने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद जिया वो टूटी हुई हिल लेकर घर चली आती है। घर आने के बाद उसके माँ को बोलती है, माँ ये देखो, ये टूटी हुई हिल मुझे रास्ते के किनारे मिला, मुझे ये हिल बहुत पसंद आया है, मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए ये हिल ठीक करा दो, मुझे इसे पहनना है। बेटी, क्यों इसे दोबारा से ठीक करना है? तुम अपने पापा से बोल देना तो तुम्हारे पापा इससे भी अच्छी हिल खरीद देंगे, तुम्हारे लिए इसे फेंक दो बेटा। नहीं, मुझे यही हिल बहुत पसंद आई है, मुझे यही वाली ठीक करके पहनना है। अच्छा ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगी, ठीक करने के लिए वो ये टूटी हुई हिल को ठीक करा कर ले आएंगे। अब खाना खाने चलो। रात को जब दिया के पिता घर वापस आते हैं तो दिया की माँ उनके पास जाकर बोलती है, देखो जी, ये पुराना सा हिल तुम्हारी बेटी कहाँ से उठा कर लाई है, अब बोल रही है कि इस हिल को ठीक करके पहनना है, देखो अगर ठीक कर सकते हो या नहीं। अच्छा तो ये मेरी बेटी ने लाया है, तब तो मुझे ये जरूर ठीक करना पड़ेगा। दो दिन बाद जिया के पिताजी वो हिल को एकदम से ठीक करके घर लेकर आते हैं। जिया उस हिल देखकर बहुत खुश होती है। पापा, आपने तो मेरा हिल ठीक करा दिया, आप तो बहुत अच्छी हो पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं ये हिल पहन के स्कूल जाया करूंगी, मुझे ये हिल बहुत पसंद आया है। जिया की खुशी देखकर उसके माँ पिताजी भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही खुशी से दिन जा रही थी। एक दिन जिया के पिता घर आते हैं उदास होकर। ये देखे जिया और उसकी माँ दोनों ही परेशान होती है और पूछती है, अरे आपको क्या हुआ, आप आज जल्दी आ गई और इतना उदास क्यों लग रही है? तुम लोगों को क्या बताओ, तुम्हें तो पता है ना, मेरे बिजनेस में एक पार्टनर था, मेरा दोस्त। अब कुछ दिनों से वो मुझे बोल रहा है कि ये सारा बिजनेस उसके नाम है, मैं ये सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि वो सिर्फ मेरा पार्टनर है, हम दोनों ने मिलकर ही ये सारा बिजनेस किया है, अब मैं ये बिजनेस छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने पुलिस वालों को भी बताया है, कुछ ही दिनों में केस होने वाला है, इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। अगर सारा कागज उसके नाम पर निकलेगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ये घर, ये सारा बिजनेस, सब कुछ मेरा दोस्त ही ले जाएगा, इसीलिए
मैं बहुत परेशान हूँ। अपने पिता के मुँह से ये सारी बातें सुनकर जिया और जिया की माँ दोनों घबरा जाते हैं। ये आप कैसे बातें कर रही हो? आपका दोस्त तो कितना अच्छा इंसान है, हमारे घर पर भी कितने बार आ चुका है, हम तो कितना भरोसा करते हैं। अब अगर ऐसा करेगा तो हम कैसे जिएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। मुझे तो ये सब सुनकर ही घबराहट हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, देखिए अगर पुलिस कुछ कर सकता है या नहीं, मुझे लगता है हमें न्याय जरूर मिलेगा। मैं भी तो बस यही उम्मीद लगे बैठी हुई हूँ। अब कुछ दिन जाने दो, फिर देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तीनों की हंसी खुशी जिंदगी में जैसे किसी की नजर लग गई हो, अब वो तीनों ही उदास रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनके घर में पुलिस आती है और बोलती है, देखिए जल्दी से ये घर खाली कर दीजिए, हमें पता चला है कि ये घर आपके दोस्त का है और आप यहाँ पर कब्जा करे हुए हैं। जल्दी से इस घर से चले जाइए और हाँ, कोई भी संपत्ति लेने की कोशिश मत करना। ये सुन के मानो उन सभी के सर पर आसमान टूट पड़ता है। वो सभी लाचार थे, कुछ नहीं कर सकते थे। सारे सबूत में यही दिखा रहा था कि ये घर अब जिया के पिता के दोस्त का है, इसीलिए वो सब कुछ बिना कुछ लिए बाहर चली जाती है। लेकिन जिया अपने माँ से बोलती है, माँ हम सब तो ऐसे ही खाली हाथ जा रही है, लेकिन मुझे मेरा वो हील लेकर जाना है। वो हील तो एक टूटा हुआ हील था ना, इसलिए उसे ले जाने से किसी को तो कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम वो हील लेकर चलो, वो छोटा सा हील लेने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो तीनों घर से निकल जाते हैं। जिया भी अपने हील को लेकर चलती है। कुछ देर जाने के बाद एक जंगल किनारे पहुंचते हैं और वो तीनों बहुत थक जाते हैं और जिया को बहुत भूख लगती है। जिया रोने लगती है। जिया को रोता हुआ देखकर उसकी हील बात करने लगते हैं। जिया मत रो, तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है, मैं टूट गया था, मुझे तो परियों ने फेंक दिया था, लेकिन तुमने मेरी देखभाल की और मुझे फिर से ठीक किया। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जिया अपनी उस हील को बात करते देख जिया और उसके माता पिता हैरान रह जाती है। और फिर देखते ही देखते जिया का वो हील एक बहुत ही ज्यादा सुंदर विशाल हील के घर में बदल जाती है और बोलती है, सुनो जिया, आपसे तुम तीनों चाहो तो मेरे इस हील के घर पर रह सकती हो, जितने भी दिन मर्जी उतने दिन। इस घर में तुम्हें तुम्हारा रहने के लिए सारी चीजें मिलेगी और तुम्हें जो भी चाहिए होगा तो मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें तुरंत दे दूंगी। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर उस जादुई हिल के घर में खुशी से रहने लगते हैं।